Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब बच्चों मेथड स्टार्ट करते हैं. मेथड्स फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुड. फर्स्ट मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड. अब मैंने ऊपर लिख के दिया हुआ है. इट इज वेल नोन नाउ कि हर टाइम जब भी फर्म अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का मतलब सारी बातें होगी, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ ऑफ अ पार्टनर हो, इसके अलावा तुम्हारा बिजनेस एमलगमेट हो रहा हो, इन सबको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप चेंज बोलते हैं. ठीक है. एवरी टाइम द फर्म चेंजेस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन तो नीड फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अराइजेस. इसके लिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट में एडजस्टमेंट करते हैं. बट अगेन वैल्यू करने के लिए सबसे पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको समझाएंगे. इस केस में गुडविल विल बी नंबर ऑफ ईयर परचेजेस इनटू एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट. दो वर्ड बोले मैंने, एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट. सबसे पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट की बात करते हैं. ट्रेडिंग प्रॉफिट का टोटल निकालने के लिए जो हमें गिवन प्रॉफिट्स की होंगे क्वेश्चन में, जो प्रॉफिट गिवन होंगे उसमें सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस को ऐड कर देंगे और एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स को लेस कर देंगे. एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स को लेस करके एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस को ऐड करने का पर्पस ये होता है कि हम सिर्फ ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स कैलकुलेट करें. अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस को अननेसेसरी प्रॉफिट्स में इंक्लूडेड रखेंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यूएशन अप डाउन जाएगी, जो बेसिकली फ्लक्चुएटिंग होगी, और वो ठीक बात नहीं है. हम लोग बिजनेस से कितना कमाते हैं ये मेल नहीं देखना. रादर देन मैं काम तो कर रहा हूँ बच्चों, शर्ट्स का बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उस प्रॉपर्टीज को मैंने किराए पर दिया हुआ है, उस किराए से मेरा बहुत सारा किराया आ जाता है और उसको मैंने प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट शीट पर डाला हुआ है, इस वजह से मेरा प्रॉफिट हाई है और मैं कह रहा हूँ मेरी गुडविल हाई है. ये कोई बात थोड़ी हुई, ये तो फालतू की इनकम है. या मेरी किसी साल लॉटरी लग गई, या किसी साल गुड्स खराब हो गए. तो बेसिकली जितने भी ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स हैं सिर्फ उसके बेस पर गुडविल होनी चाहिए. और एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब यहाँ पर ये कतई ही नहीं है कि तुम इसका मतलब समझो कि कोई ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स होंगे, ऐसा नहीं बोला. एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब जो ऑर्डिनरी नहीं है, चाहे वो 1000 की चीज क्यों ना हो, लेकिन वो बिजनेस रिलेटेड नहीं है इसलिए वो ऑर्डिनरी नहीं है, और जो ऑर्डिनरी नहीं है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी. एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें सारी हटा, लॉसेज हैं वापस एड बैक कर दो, प्रॉफिट एंड लेस कर दो, ताकि हमारे ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स निकले. और उस ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स को सिंपल नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दोगे तो हमारी सिंपल एवरेज निकल आएगी, लेकिन अगर उसको वेटेड करके नंबर ऑफ वेट्स के साथ डिवाइड कर दोगे तो वो हमारी वेटेड एवरेज निकल आएगी. सो दो तरह की एवरेज हो सकती है, या तो सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज. सो आपको इस चीज का ध्यान रखना है. क्वेश्चन में वेटेड बोला हो तो वेटेड यूज करना है, न बोला हो तो सिंपल यूज करना. बेस्ड इस पे क्वेश्चन करते हैं बच्चों. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज. हाँ यस, एक बात और भी समझानी थी यहां पर, ये चीज हमारी डिस्कस नहीं हुई, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है. ऐसा होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज को आप इस तरह से समझने की कोशिश करो. फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना बिजनेस आपको बेचा तो अब मेरी गुडविल आपके पास जा रही है. ये तो कोई जरूरी नहीं है ना कि जितना हार्डवर्क मैंने किया उतना आप भी करो. हो सकता है आप उससे बहुत कम करो, गुडविल गिरा दो. हो सकता है आप उससे भी ज्यादा करो और बहुत अच्छा करो और गुडविल कई गुना बढ़ा लो. बट वो जो चीजें होंगी वो तुम्हारी होंगी, वो मेरी नहीं. तुमने अगर कम किया, गुडविल डाउन हुई तो वो तुम्हारी. बहुत हार्डवर्क किया और ज्यादा कर लिया वो भी तुम्हारा. लेकिन मेरे नाम की वजह से, मेरी रेपुटेशन की वजह से या मेरी गुडविल की वजह से जितने साल तुम सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लायक हो गए. फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी एबीसी, मार्केट में उसकी बहुत रेपुटेशन है. वो एबीसी कंपनी जो है उसने अपने आप को XYZ को सेल कर, अब उस एबीसी कंपनी के मालिक चेंज हो चुके हैं. ये धीरे 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 बात बाहर निकलेगी. एकदम भी निकल जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आमतौर पर धीरे धीरे कस्टमर्स की नजर में आएगी. अभी तक कस्टमर एबीसी की गुडविल के बेसिस पर ही उसकी प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे, और आगे आने वाले टाइम में मान लो XYZ ने उसकी क्वालिटी गिरा दी तो भी वो प्रोडक्ट 2-3 साल तो बिकती रहेगी. हाँ, 2-3 साल के बाद या 2 साल के बाद ये नजर आना शुरू होगी, अब यार इस प्रोडक्ट में उतना मजा नहीं रह गया, या अब ये प्रोडक्ट और भी अच्छी हो गई है. बट इससे पहले जो सिचुएशन चल रही थी
वो पुरानी गुडविल के बेसिस पर ही आपकी सेल चलती जा रही। तो पुराने नाम की वजह से जितने नंबर ऑफ ईयर आप सेम सुपर प्रॉफिट अर्न करने के लायक हैं, दैट नंबर ऑफ ईयर इज कॉल्ड नंबर ऑफ ईयर परचेस। इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं मैं तुम्हारे को। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको अपना बिजनेस बेचा, तो मैं बोलूंगा भैया जी ऐसा है 12% नॉर्मल प्रॉफिट है, मेरी फर्म 15% अर्न कर रही है, 3% के हिसाब से मैं हर साल 3,00,000 रुपए एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, और मेरे नाम की वजह से अगले 2 साल तक तुम एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो 3,00,000 × 2, 6,00,000 रुपए मेरी नाम की वजह से तुम एक्स्ट्रा अर्न करोगे, वो 6,00,000 पहले मैं तुमसे लूंगा फिर बेचूंगा बिजनेस। समझ आई मेरी बात? तो वो जो 2 साल का या 3 साल का या 1 साल का मैं तुमसे एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा, उन्हीं नंबर को बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेस। बहुत से टीचर इसको ऐसा बोल देते हैं, बस नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में गिवन होगा, बच्चों इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कुछ नहीं होता है, एक फैक्टर होता है, इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है। लेकिन हवा से आया क्या ये? कोई तो लॉजिक होगा। और तुम क्वेश्चंस में देखोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज आमतौर पर 1, 2, 3 होंगे, 5 क्यों नहीं होते, 10 क्यों नहीं होते, 15 क्यों नहीं होते? क्योंकि किसी एक फर्म के नाम की वजह से दूसरी फर्म 15-15 साल तक एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमा सकती, 10 भी नहीं कमा सकती, रादर 5 भी नहीं कमा सकती। इस वजह से आमतौर पर 1, 2, 3 होगा। उसके पीछे लॉजिक ये है, ठीक है, राइट? तो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में गिवन तो जरूर होंगे, लेकिन होता क्या मैंने बता दिया। क्वेश्चन में बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। और एवरेज प्रॉफिट्स पिछले 5 साल के दिए हुए हैं, और 5 साल के प्रॉफिट्स हैं 9 लाख, 16 लाख, 19 लाख, 14 लाख, और लॉस है बच्चों 5 लाख। तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट फॉर लास्ट 5 ईयर्स। क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉसेस नहीं दिए हुए, तो यही प्रॉफिट्स को ऑर्डिनरी प्रॉफिट्स बोल दिया जाएगा। ऐड कर दो टोटल प्रॉफिट्स 9 लाख, 16 लाख, 19 लाख, 14 लाख, और लॉस है 5 लाख, उसको माइनस कर देंगे 5 लाख। टोटल क्या है बच्चों? 25, 44, 58, 53 लाख टोटल प्रॉफिट्स हो गए। और अब क्वेश्चन में वेट्स भी नहीं दिए हुए, तो सिंपल एवरेज कैलकुलेट करेंगे बच्चों। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, एवरेज प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट्स 53 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 5, 10,60,000 हमारी नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। और अब गुडविल इज क्वेश्चन बोला हुआ है 3 ईयर्स परचेज, 3 × 10,60,000 31,80,000 is goodwill of the firm। समझ आ रही बात? तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले टोटल करो, टोटल की एवरेज करो, एवरेज सिंपल या वेटेड दोनों हो सकती है, और फिर उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, आपके पास गुडविल निकल आएगी। ओके, डन।